नमस्कार किसान भाई, राम कैलाश यादव हमारे प्रताप का ब्लॉग चैनल में सबका स्वागत है। आज किसान भाइयों हम बात करने वाला हूं, आप ये गाय देख पा रहे हैं, इससे लगभग 2 से 3 बार सीमन करा चुके हैं और सीमन कराने के बाद कुछ इस तरह का डिस्चार्ज करती है और उसके बाद 2-3 दिन यानी 4 दिन बाद सीमन कराने के चार दिन बाद भी डिस्चार्ज किया, दूसरी तरह था, और 8 दिन बाद डिस्चार्ज किया, वो भी दूसरी तरह था। किस किस तरह से डिस्चार्ज किया है, फिर ये क्या ये गाभिन है या नहीं गाभिन है, अगर नहीं गाभिन है तब हमें क्या करना चाहिए और इसे क्या दिक्कत हो सकती है, सब कुछ किसान भाई इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ऐसा वीडियो अगर पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम किसान के बात करते हैं, इनके मालिक गाय का, तो इनका नाम है अंकित सिंह, गांव पड़ता है सुल्तानपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। ये किसान सवाल पार्ट 74 है। आपके भी कोई सवाल हैं, कोई दिक्कत है, आप भी अपने पशु का वीडियो भेज सकते हैं। अगर हम किसान भाई बात करते हैं इस गाय का, तो ये आप देख पा रहे हैं जो पहला जो डिस्चार्ज किया था, खून जैसा डिस्चार्ज दिया है सीमन कराने के बाद, यानी सीमन करने के 4 दिन बाद। और उसके बाद किसान भाई ये जो है गाय 8 दिन बाद पीला डिस्चार्ज दिया है, तब ये क्या गाभिन होगी या नहीं होगी, ऐसा किसान भाई देखने को मिलता है। अगर हमारी गाय या भैंस हो डिस्चार्ज पीला करती है तो एक हम अनुमान लगाते हैं कि गाभिन होगी, लेकिन अगर यही पीला डिस्चार्ज बार बार करती है तब फिर दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे ये पीला डिस्चार्ज किया है तो 8 दिन बाद भी करती हैं, 7 दिन बाद भी करती हैं अगर एक बार करती है, और बहुत ज़्यादा पीला भी नहीं होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्का मोटा सा रहता है तो गाभिन मानते हैं। लेकिन किसान भाई इसे बार बार जो है इस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, तो इससे यही प्रतीत होता है कि इसे बच्चेदानी के इन्फेक्शन है। तो बच्चेदानी के इन्फेक्शन इसे पहले भी था, किसान ने दवा भी कराया, लेकिन अभी भी इसका इन्फेक्शन लग रहा है, ठीक नहीं हुआ है। ये बार बार मोटा ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लाल कलर या जो है पीला कलर डिस्चार्ज इन्फेक्शन माना जाता है। तो इसके लिए किसान भाई क्या है, गाभिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन चांस कम है जो है गाभिन होने का। अगर ये किसान भाई दोबारा हिट में आती है जिसकी गाय है और आपके भी ऐसी कोई समस्या है, तो क्या करना है, अगर ये दोबारा हिट में आती है तो इसको सीमन नहीं कराना है, इसको सबसे पहले कीड़ी की दवा पिला देना है, सुबह खाली पेट पिलाना है। कीड़ी की दवा पिलाने के लगभग 4 से 5 दिन बाद आपको लेना है 1 पाव हल्दी गांठ वाली, उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद उसको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को देना है, उसके बाद जो है ये सही हो जाएगा इन्फेक्शन। और एलोवेरा भी आप भून करके आग पर उसको एक एलोवेरा भी खिला सकते हैं, उससे भी इन्फेक्शन में काफ़ी फायदा होता है। और ये भी देखा जाता है जैसे गर्भ क्षमता कम है तो आप मिनरल मिक्सचर पाउडर भी दे सकते हैं, और एलोवेरा से भी गर्भ क्षमता बढ़ती है और इन्फेक्शन की जो बात आती है वो हल्दी से बहुत अच्छी तरह से ठीक होता है। अगर आप देसी उपाय करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, अगर आप देसी उपाय नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाई वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।